मैं चंद्रकला अपने गार्डन में स्वागत करती हूँ। मेरे पास कई प्रकार के गुड़हल के प्लांट हैं। आज मैं आपको मिली बग से अपने गुड़हल के प्लांट को कैसे बचाएं ये बताऊंगी। मिली बग एक ऐसा कीड़ा है जो यदि गुड़हल के प्लांट में लग जाए तो गुड़हल का प्लांट बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगता है। यह कीड़ा प्लांट के बॉड्स पर सबसे ज़्यादा अटैक करता है। यदि मिली बग लग जाए तो पत्तियां भी सिकुड़ जाती हैं तथा पीली पड़ जाती हैं। यदि शुरुआत में इसका इलाज ना हो तो यह पूरे प्लांट को ख़राब कर देता है। ये एक गुड़हल का प्लांट है जिसका देखिए फ्लावर बेबी पिंक निकला हुआ है और ये स्टार्टिंग का मिली बग है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ये प्लांट पे लग गया है। ये भी इसका स्टार्टिंग का है जो ये पूरे चारों तरफ ये फैल रहा है। इससे आप देख सकते हैं कि इसका पत्तियों पर भी ये असर कर रहा है और ये पत्तियाँ इस पर सिकुड़ गई है। इस प्लांट में स्टार्टिंग का है ये सब। जो भी ये प्लांट मेरे पास हैं जितने कलर के हैं, इसमें रेड फ्लावर आते हैं, इसमें भी ये स्टार्ट हो रहा है। ये येलो का प्लांट है, इसमें भी ये स्टार्ट हो रहा है और इसमें दवा की छिड़काव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये क्रीम कलर का प्लांट है, इसमें भी आप हल्का हल्का देख सकते हैं कहीं कहीं मिली बग का अटैक हो रहा है। आपको मैं अपने गार्डन के मिर्ची गुड़हल के प्लांट के पास दिखाती हूँ जिस पर बहुत से मिली बग आ गए हैं। मैं समय समय पर इस पर दवा का छिड़काव कर देती हूँ, लेकिन इस बार नवरात्रि के पूजा में मैं थोड़ा व्यस्त हो गई थी जिसके वजह से मुझे समय नहीं मिला। उसके वजह से ये आप देख रहे हैं इस प्लांट पर कितने सारे मिली बग अटैक कर दिए हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा अटैक है। इसको जैसे क्रिटिकल पोजीशन कहते हैं कि ये गुड़हल के प्लांट देखिए इसके कली को ही नहीं लेने दे रहा है। ये मिली बग जो है इतना ज़्यादा अटैक किया हुआ है कि इसके कली को भी, ये कली पर ही ज़्यादा करता है और कली के साथ साथ ये पूरे डाल प्लांट पत्तियाँ ये सब इसका जो है बर्बाद कर रहा है। इतना ज़्यादा लग गया, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये मिली बग अटैक करे। जितने ये कलियाँ ले रहे हैं उस कली के नीचे ये डाली में पूरा मिली बग लगा हुआ है। और ये इस तरह अगर मैं इस प्लांट पर कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करूँगी तो ये पूरा प्लांट मर जाएगा। इससे पहले कि मिली बग मेरे गुड़हल के प्लांट को नष्ट कर दे, मैं इस पर लिक्विड दवा का छिड़काव कर देती हूँ। ये दवा मैं आज आपको बनाना बताऊंगी, इसे मैंने अपने घर पर ही बनाया है। तो ये दवा का बता देती हूँ मैं कैसे बनाते हैं। इससे पहले मैं ये छिड़काव कर देती हूँ इस प्लांट पर। लॉकडाउन के वजह से घर से बाहर जाना नहीं है, इसलिए मैं आज आपको घर में ही कुछ लिक्विड सामान से दवा बनाना बताऊँगी जिससे आप अपने प्लांट को, यानी गुड़हल के प्लांट जिसे हिबिस्कस भी कहते हैं, उसे बचा सकते हैं। आइए आपको इस प्लांट पर दवा के छिड़काव से पहले क्या करेंगे वो बता दूँ। सबसे पहले जहाँ जहाँ पर आपका मिली बग अटैक किया है प्लांट पर, जैसे देख सकते हैं आप ये प्लांट पर अटैक किया है, इसे पानी से, आप इसे ज़ोरदार पानी से स्प्रे करें। ये देखिए ये प्लांट पर जो मेरे स्टार्टिंग के मिली बग है इसे मैं हटाना आपको बताती हूँ। पहले इसे आप पानी से इसे स्प्रे कर लें। बहुत ज़्यादा स्प्रे हो जाएगा उस पानी इस पर आ जाएगा, या तो खुद से ही हट जाएंगे। अगर जैसे ये देखिए मिली बग नहीं हट रहे हैं तो आप किसी तरह के ब्रश, जो भी आपके ब्रश जो घर में बेकार पड़े हुए हैं, इससे आप इसको साफ़ कर सकते हैं। इसको साफ़ कर लें और इस तरह वो साफ़ हो जाने के बाद पर इस पर दवा का छिड़काव करें तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आता है। दवा बनाना बताती हूँ जो घर के ही कुछ सामान से, जैसे मैंने इस बॉटल में आधा लीटर पानी ले लिया है। उसके बाद सबके घर में डिटॉल होता है, वो डिटॉल एक चम्मच डिटॉल इस आधे लीटर पानी के बॉटल में आप डाल दें। और कोई भी हैंड वाश, जो भी आपके पास किसी भी ब्रांड के हैंड वाश हो तो हैंड वाश एक चम्मच आप ले लें। अगर आपके पास हैंड वाश ना हो तो आप कोई भी सर्फ एक चम्मच सर्फ यूज कर सकते हैं। और इसके बाद इसे आप ढक्कन को लगा दें। ये देखिए ढक्कन लगा लें और ढक्कन लगाने के बाद इसको एक बार सेक कर लें, अच्छी तरह से इसे मिला लें।
और ये दवा मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद ये मिली, अब हमारा ना दवा तैयार हो गया है। अब इसे हम स्प्रे से दवा का छिड़काव कर देंगे। ये जहाँ जहाँ आपके जिस जिस प्लांट में, गुड़हल के प्लांट खास करके, ऐसे किसी में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये गुड़हल में ही ज़्यादा अटैक किए हैं। मेरा जितने ही प्लांट हैं उसमें स्टार्टिंग ये कर चुके हैं, और मैंने आपको दिखाया था कि मिर्ची गुड़हल में तो बहुत ही ज़्यादा अटैक किया हुआ है। इसे आप इस तरह दवा का छिड़काव करते रहें। थोड़े देर में ही ये छिड़काव के बाद ये मिलीबग नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे। इस तरह आप पूरे प्लांट में भी इसे छिड़काव कर दें कि जहाँ भी मिलीबग हो वो ना आए। इस तरह सारे प्लांट में, मेरे जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं उसमें मिलीबग का अटैक शुरू हो गया है, इसलिए मैं इसे सब पे छिड़काव कर देती हूँ। इस दवा जो घर में आप दवा बना है, इससे इसको आप आधा लीटर में जो भी बना है तो एक दिन में तो आपका ख़त्म होगा नहीं, तो इसे आप कम से कम सप्ताह में 2 बार छिड़काव करें और उस मिलीबग से आपको खात्मा हो जाएगा। ये पूरे प्लांट आपका, इससे बचाव हो जाएगा मिलीबग से, और इस पे सुंदर सुंदर प्लांट में फ्लावर खिलेंगे। इस दवा के छिड़काव से आपका प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसमें और भी ज़्यादा फूल खिलेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मेरा वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।